नमस्कार, कहिए कैसे हैं आप। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करूंगी। इंटरेस्टिंग टॉपिक भला हमसे ज्यादा अपने खुद से ज्यादा कुछ हो सकता है। आज मैं बात करूंगी सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में, अपने यानी कि हम सब लेडीज के बारे में। हाँ जी, एक औरत जो सबसे पहले एक बेटी बनती है, फिर एक बहन, एक पत्नी, एक बहू, एक माँ, एक सास, एक दादी, एक नानी और ना जाने कितनी ही भूमिकाएं हम लेडीज को निभानी पड़ती हैं। और इन सभी भूमिकाओं के साथ साथ बहुत सी जिम्मेदारियां भी हम लेडीज के कंधों पर होती हैं। ये सभी जिम्मेदारियां और ये सभी भूमिकाएं हम बहुत अच्छे से निभा लेती हैं, लेकिन इनको निभाते निभाते हम कहीं ना कहीं ये भूल जाती हैं कि हम भी कुछ हैं, हमारा भी कोई वजूद है, हमारी भी कुछ इच्छाएं हैं, कुछ हॉबीज हैं। ये सब हमारी जिम्मेदारियों के बोझ के तले दब जाती हैं और फिर क्या होता है, हमारी लाइफ हमें निराशाजनक लगने लग जाती है। एक नेगेटिविटी हमारे माइंड में आ जाती है, जो हमारे मन की उदासीनता है वो हमारे जीवन को भी उदासीन कर देती है। ऐसा नहीं करना है, खुद को भूलना नहीं है, खुद को जीना है, जिंदगी काटनी नहीं जीनी है। कभी भी नेगेटिविटी अपने मन में नहीं लानी, हमेशा पॉजिटिव थॉट्स ही हमें अपने मन में लाने चाहिए। अगर फिर भी कभी लाइफ में बहुत बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब हम बहुत डिप्रेस हो जाते हैं, सोचते हैं कि क्या है लाइफ में, कुछ भी नहीं, सारा दिन हम दूसरों के बारे में सोचते हैं कि बच्चों को ये चाहिए, हस्बैंड को ये चाहिए, फैमिली मेंबर्स को ये चाहिए, हर किसी की रिक्वायरमेंट्स हम पूरी करते हैं, लेकिन खुद को भूल ही जाते हैं कि हम भी कुछ हैं। ऐसा नहीं करना, खुद के लिए समय निकालें, खुद को जानें, खुद को पहचानें, आपके अंदर जो प्रतिभा है उसे निखारिए। क्योंकि जब तक आप या हम खुद को नहीं जानेंगे तो दूसरा भला हमें कैसे जान सकेगा। हमें अपनी पहचान खुद बनानी है। अपनी नेगेटिविटी को दूर कीजिए, पॉजिटिव सोचिए। हाँ ठीक है, कभी कभी हम लोग टेंशन में होते हैं तो उस वक्त क्या कीजिए, उन अच्छे पलों को याद कीजिए जब आप बहुत खुश थे, उन सब अच्छी अच्छी बातों को याद कीजिए जिनके बारे में सोचकर आपको बहुत अच्छा लगता है। और अच्छे दोस्त हम सबकी लाइफ में होते हैं, उन अच्छे दोस्तों से बात कीजिए जिनकी आपकी लाइफ में बहुत ही अहम भूमिका रही हो। और फिर इससे भी ज़्यादा कभी परेशानी हो जाती है, ज़्यादा डिप्रेशन में है तो अपने काम से छुट्टी लीजिए, सिर्फ वही कीजिए जो आपका मन करे। उस दिन किसी के बारे में नहीं सोचना, सिर्फ खुद के बारे में। खुद को जाने, मैं क्या हूँ, मेरे अंदर क्या है, मैं अपनी लाइफ कैसे जीऊँ, मैं क्या करूँ कुछ अच्छा कि सबको पता चले कि मैं भी कुछ हूँ। इसलिए शॉपिंग पे जाइए, अपने फ्रेंड्स के साथ मूवी देखिए, और भी बहुत हॉबीज हम लेडीज में होती हैं, कुकिंग, पेंटिंग, सिंगिंग, डांसिंग, कुछ भी। हाँ, अगर आपका डांस करने का मन कर रहा है तो डांस भी ज़रूर कीजिए। क्यों, हम क्या बच्चे नहीं हैं, डांस नहीं कर सकते। क्या हुआ अगर हम पेरेंट्स बन गए तो, अपने पेरेंट्स के लिए तो हम भी बच्चे ही हैं। भले ही आपके बच्चे सामने बैठे हों खूब मस्ती में बच्चों की तरह, जैसे बच्चे मस्त होते हैं ना, किसी की परवाह ही नहीं होती उन्हें कि हम क्या कर रहे हैं, कोई हमारे बारे में क्या सोचेगा, ठीक वैसे ही खूब मस्ती से वो दिन जिए। आपको पता चलेगा, आपको एक रिफ्रेशमेंट मिलेगी। कुछ ऐसा होता है ना कि जैसे हम काम करते करते लगातार थक जाते हैं तो फिर हम रेस्ट करते हैं बीच में, सेम ऐसा ही हमारी लाइफ में भी कुछ पड़ाव ऐसे आते हैं जब हम खुद से ही उब जाते हैं, हमें लगता है कि जिंदगी में कुछ भी नहीं है, तब हमें रिफ्रेशमेंट चाहिए होती है। और वो रिफ्रेशमेंट तभी मिल सकती है जब हम खुद के बारे में सोचेंगे। जब तक हम खुद के बारे में नहीं सोचेंगे ना, कुछ भी नहीं हो सकता। और इस बात को याद रखिए कि अगर आप उदास होंगी या निराश होंगी तो उसका सबसे पहला असर आपके परिवार पर ही पड़ेगा।
आपके घर परिवार का, जी हाँ, जिसे आप हमेशा सहेज कर रखना चाहते हैं। और हमेशा हम सपना देखते हैं कि स्वर्ग सा सुंदर हो हमारा घर परिवार। आपके मूड का, आपके नेचर का, आपके फैमिली मेंबर्स पर, आपके घर के माहौल पर बहुत असर पड़ता है। इसलिए अगर आप खुश रहेंगे तो आपकी पूरी फैमिली खुश हो सकेगी, क्योंकि सर्व सबको आप ही ने करना है। आप जो सर्व करेंगी वो उन्हें मिलेगा। अगर आप अच्छे मूड में है ना, तो खाना भी आप बहुत अच्छे मूड में बनाएंगी और सबको सर्व भी बहुत अच्छे तरीके से करेंगी। और अगर हमारा मूड सही नहीं होता तो उस दिन हमारे से कोई काम भी अच्छे तरीके से नहीं होता। इसलिए कभी भी नेगेटिव सोच को नहीं आने देना, हमेशा पॉजिटिव सोचिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और इन हंसते मुस्कुराते पलों के साथ आपकी लाइफ की सारी उलझने और सारी अटकलें कब दूर हो जाएंगी आपको पता ही नहीं चलेगा। बस फर्क सिर्फ इतना है, सिर्फ इस बात की जरूरत है कि आपको खुद को जानना है, खुद को पहचानना है। किसी भी तरह से अपने आप को कम नहीं आंकना, कभी भी नहीं। हम किसी से भी कम नहीं हैं। हम में भी वो टैलेंट है जो दूसरों में है, हम भी वो सब कर सकते हैं जो दूसरे करते हैं। इसलिए सिर्फ यही कहना चाहूंगी, देर लगेगी मगर सही हो, देर लगेगी मगर सही होगा। हमें जो चाहिए वही होगा। दिन बुरे हैं, जिंदगी नहीं। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगली बार फिर एक नई सोच के साथ एक नया विचार साझा करने आपके साथ आएंगे।